पहले नजर डालते हैं 5 मिनट में 50 बड़ी खबरों पर। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्य सचिव दीपक कुमार, जल संसाधन विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव मौजूद रहे। पटना में जेडीयू राज्य परिषद की बैठक हुई, जिसमें वशिष्ठ नारायण सिंह की तीसरी बार प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर ताजपोशी हुई। बिहार के 4 लाख से अधिक करदाताओं को राहत, बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद ऐलान किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर के लिए रवाना, एसकेएमसीएच में एएस पीड़ित बच्चों के परिजनों से करेंगे मुलाकात। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती और उनके पति शैलेश के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर आज सुनवाई। रांची के एम्स में भर्ती लालू यादव से आज मुलाकात का दिन, 3 लोग आज लालू यादव से मुलाकात करेंगे। गंगा के लगातार बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन सतर्क है, डीएम ने अधिकारियों का सतर्क रहने और 24 घंटे निगरानी रखने का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने हिंदी मैथिली की सुप्रसिद्ध लेखिका उषा किरण खान को बहुप्रतिष्ठित भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है। बिहार में 19 IAS अफसरों और 5 IPS अधिकारियों का तबादला, गोपालगंज के डीएम बने अरशद अजीज, अवनीश कुमार सिंह बने शिवहर के डीएम। पटना में महिला सुरक्षा को लेकर डीजीपी के साथ बैठक, कहा सभी बालिका गृह की सुरक्षा जरूरी। इस बैठक में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता रेखा शर्मा हुई शामिल। पटना में सीएम आवास के बाहर धरने पर बैठे आरजेडी विधायक सरोज यादव पर मामला दर्ज, सचिवालय थाने में यह मामला दर्ज किया गया है। मुजफ्फरपुर में कुछ लोगों ने एक लड़की की पोल से बांधकर पिटाई की, लड़के को पटना के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पटना नगर निगम के 5,000 सफाई कर्मियों ने 27 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की। पूर्णिया के बाईसी के ताड़ाबाड़ी पंचायत में कनकई और महानंदा फेरोफान पर है नदी के जलस्तर बढ़ने से कई गांव के लोग कटाव से प्रभावित हो रहे हैं। मुजफ्फरपुर में निजी सुरक्षा गार्डों को पुलिस या सेना की वर्दी पहनने पर रोक लग गई है, एसएसपी मनोज कुमार ने आदेश जारी किया। बोधगया नगर पंचायत ने स्वच्छता अभियान चलाया, अभियान में नगर पंचायत के विभिन्न वार्ड के प्रतिनिधि, सफाईकर्मी और बच्चों ने हिस्सा लिया। बेगूसराय में NH28 पर अज्ञात वाहन की ठोकर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई, पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। बेगूसराय में NH28 पर अज्ञात लखीसराय में शराब के साथ 2 कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस ने अपराधी के घर से भारी मात्रा में शराब और 2 कारतूस बरामद किया। हाल ही में जेल से अपराधी राकेश सिंह छूटा था। बेगूसराय में नाव के विवाद में भतीजों ने अपने चाचा को गोली मारकर घायल कर दिया, घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पटना जिले के खुसरूपुर थाना के गोपाल टोला के पास कार और पिकअप वैन में टक्कर हो गए, 4 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। औरंगाबाद पुलिस ने 2 नक्सली सियाराम और पप्पू यादव को गिरफ्तार किया, पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की। रोहतास और औरंगाबाद को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 2 पर सोन ब्रिज का ज्वाइंटर सस्पेंशन टूट जाने से यातायात बाधित रहा। गोपालगंज में बेखौफ चोरों ने बैंक का ताला तोड़कर जहां बैंक परिसर में भारी नुकसान पहुंचाया है। पटना सिटी के रामकृष्णनगर थाना क्षेत्र के नंदलाल छपरा बाईपास के पास पेट्रोल पंप पर बाइकर्स गिरोह ने जमकर उत्पात मचाया। जहानाबाद के रतनी प्रखंड मुख्यालय के समक्ष किसान अनशन पर बैठे हैं, वो प्रखंड क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग कर रहे हैं। बाढ़ के एक निजी नर्सिंग होम में प्रसव के दौरान महिला की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ, घटना बख्तियारपुर थाना इलाके के स्टेशन रोड की है। छपरा में परसा थाना क्षेत्र के पचलख गांव में वज्रपात की चपेट में आने से छात्रा की मौत हो गई, परीक्षा देकर लौटते वक्त हादसा हुआ। सुपौल में लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 अपराधी को गिरफ्तारी हुई, गिरफ्त में आए शख्स पर गुरुवार को पिकअप वैन लूटने का आरोप है। वैशाली के संवेदक सरकार के खिलाफ आंदोलन के मूड में आ गए हैं, वैशाली के 100 से अधिक संवेदक ने सरकार के खिलाफ एक मीटिंग कर विरोध जताया है।
और अब खबरें विस्तार से। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर के लिए